करो अभी तक लास्ट क्लास तक पहले तो जिम्नो इजी है टफ है इजी है ना। अब देखो ब्रायोफाइटा गप्पे से बराबर खत्म कर देते हैं राइट बराबर। तो ब्रायोफाइटा को अपन बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस ऑफ। और दूसरे नाम क्या होना चाहिए अपने एम्बी क्लासिफिकेशन से क्या बताया था, दुनिया का सबसे पुराना एम्ब्रियोफाइट, तो मोस्ट प्रिमिटिव, मोस्ट प्रिमिटिव या फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट। चलो जी अब जनरल फीचर्स गप्पे कौन मारेगा, जनरल फीचर्स। चलो कितने लोगों ने ये देखा है ब्रायोफाइट, नहीं पता है तो एक काम करना लोनावाला चले जाओ, अभी पहाड़ काले काले की जगह ग्रीन ग्रीन दिखते हैं बिकॉज ऑफ मॉसेस। शाहपुर भी चले जाओ तो दिख जाएगा टकाटक बराबर। शाहपुर इस फॉरेस्ट जो मैंने अभी देखा था तानसा डैम जाके देखा था, मस्त ग्रीन ग्रीन, इतना अच्छा डैम है कि वहां पे अपने आप नेचुरल फ्लो हो रहा है और अपने आप बिना किसी मोटर के पानी मुंबई तक आ रहा है। बहुत अच्छा सिस्टम बना हुआ है, जाके देखना कभी मौका मिले तो। अपने यहाँ पे जनरल करेक्टर्स कॉमन सेंस लगाओ, इसको क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस कहाँ मिलते हैं, पानी। और लोनावला क्या है, हिली एरिया। लोनावला क्या है, तो मिलते क्या है, पानी के आसपास। वही पानी के आसपास, देखो शादी करने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए राइट। तो मिलते कहाँ पे, पानी के आसपास, पानी के, उसको बोलते कूल डैम्प शेडी एरिया, कूल डैम्प शेडी एरिया। अब इसमें मेनली कौन सा रीजन आएगा, मोस्टली हिली रीजन, मोस्टली हिली एरिया। इसलिए मैं बार बार तुम्हें एक ही एग्जांपल बोलता हूँ, लोनावला चले जाओ फील आ जाएगा। एनसीईआरटी में तुम जाओगे ब्रायोफाइटा की सेकंड लाइन में तुम्हें मिलेगा कौन सा वर्ड, हिली एरिया। Why it is found in the cool dam shady area, पानी के आसपास, पानी के। Why? Because of शादी करने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। अब जनरल फीचर्स जो गप्पे से लाएंगे, क्या एम्ब्रियो होगा या नहीं होगा, दुनिया का पहला एम्ब्रियो यही होगा। एम्ब्रियो है तो टिश्यू होगा कि नहीं होगा, तो टिश्यू प्रेजेंट, टिश्यू होगा। क्या वैस्कुलर टिश्यू है ही नहीं है, पहला वैस्कुलर प्लांट कौन है, तो वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट, वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट। तो ट्रू रूट स्टेम लीफ, ट्रू रूट स्टेम लीफ एब्सेंट। रूट लाइक स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो सकती है, इसको बोलते हैं थैलस लाइक बॉडी, थैलॉइड बॉडी, जिसमें रूट लाइक स्टेम लाइक और लीफ लाइक। क्या सीड होगा, क्या फ्लावर होगा, क्या फ्रूट होगा, तो कुछ भी तो है नहीं। क्लियर, ये सब गप्पे से निकाल सकते हैं राइट। अब आगे सोचो वापस, अभी गप्पे निकाल रहे हैं, लाइफ साइकिल 2 मिनट का है, आगे बात करते हैं। तो इसमें जनरल करेक्टर में इसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर हो सकती है राइट, रूट, रूट लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं राइजोइड, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट, रूट लाइक स्टेम लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं थैलस। आगे और गप्पे मारो, डोमिनेंट फेज कौन है, एन या टू एन, टेरिडोफाइटा से टू एन डोमिनेंट, तो यहां पे डोमिनेंट फेज कौन है, तो डोमिनेंट फेज एन। एन को क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट या स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट को गैमेटोफाइट क्यों बोलते हैं, बिकॉज ऑफ इट विल प्रोड्यूस गैमेट्स, और गैमेट्स दुनिया के सारे कहां प्रोड्यूस होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स। टेरिडोफाइटा से पहले सब स्पोर कंडीशन क्या है, होमो या हेटरो, टेरिडोफाइटा से पहले सब होमो स्पोर है, टेरिडोफाइटा के बाद सब, तो टेरिडोफाइटा में दोनों क्या थे, होमो हेटरो दोनों, इसलिए बोले कि होमो स्पोर। होमो स्पोरस मतलब एक ही काइंड के स्पोर, आइदर इज मेल फीमेल जो भी बना उसी से बना, तो उसको मोनोसियस बोलेंगे, डायोसियस मोनोसियस, एक ही स्पोर। लड़का लड़की में डिफरेंशिएट नहीं, लड़का माइक्रोस्पोर हो
लड़की मेगा स्पोर, राइट, यहाँ पे है ही नहीं मेगा माइक्रो, तो ये स्पोर है बेचारा, इसी को मेल बनाना है, इसी को फीमेल बनाना है, जब मेल फीमेल खुद को ही बनाना है तो क्या बोलेंगे, मोनोशियस की डायोशियस। तो जनरली सारे सारे क्या होते हैं, ब्रायोफाइट मोनोशिय, एक को छोड़ देना बस, मर्केंशिया, मर्केंशिया छोड़ के सबके सब क्या है, मोनोशिय। स्पोर कंडीशन के बाद डोमिनेंट फेज कौन है, एन, तो इंडिपेंडेंट भी कौन है, इंडिपेंडेंट फेज इज, तो इंडिपेंडेंट फेज इज एन, तो डिपेंडेंट कौन होगा, स्पोर टू एन, टू एन इज डिपेंडेंट अपॉन। अब दुनिया में डिपेंडेंसी दो तीन चीजों के लिए होती है, फूड, शेल्टर, रिप्रोडक्शन। दुनिया में डिपेंडेंसी दो तीन चीजों के लिए होती है, रहने के लिए और खाने के लिए, रहने के लिए और खाने के लिए, दोनों के लिए आए तो क्या बोलेंगे, फुली डिपेंडेंट, रहने के लिए बट खाने के लिए नहीं तो क्या बोलेंगे, पार्शियल डिपेंडेंट। जैसे तुम्हें घर वाले खिला भी रहे, रंग भी रहे तो क्या बोलेंगे, और घर पे रह रहे हो, खाना खुद बना रहे हो तो क्या बोलेंगे, तो तुम क्या हो घर वालों पे, फुली डिपेंडेंट। इसलिए रेस्पेक्ट किया है घर वालों की, मैं तो करता है, तुम भी क्या करो, है ना, पता चला मन ही मन में गालियां दे रहे हो, घर वालों से पॉजिटिव अच्छा तुम्हारे लिए कोई नहीं सोचता, तुम्हारे लिए करते रहते, फिर भी तुम मन ही मन उनको गालियां देते रहते हो। तो स्पोर कंडीशन इज क्लियर। अब लाइफ साइकिल, इसका लाइफ साइकिल होता है हैप्लो डिप्लॉन्टिक, हैप्लो डिप्लॉन्टिक। गैमेटोफाइट सेक्सोरन बनाएगा, तो ये पानी में ट्रांसफर करते हैं, राइट, इसको अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट, जो जो क्या रखे, क्रिप्टोगेम और जोडियोगेम दोनों बोल सकते हैं। मेल सेक्सोरन का नाम क्या होता है, एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम इज फाउंड इन थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इसके अंदर जो गैमेट होंगे, गैमेट का नाम क्या होगा, एंथेरोजॉइड, एंथेरो, एंथेरोजॉइड इज मोटाइल की नॉन मोटाइल, क्योंकि सब जोडियोगेम है, तो मेल गैमेट क्या होना चाहिए, मोटाइल। इसके बाद आएगा फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। आर्किगोनिया स्टार्ट कौन से, कौन सी क्लास में हुई थी, आर्किगोनिया स्टार्ट इन ब्रायोफाइटा, खत्म किधर होती है, जिम्नो, तो आर्किगोनिया यहाँ पे स्टार्ट हुई। आर्किगोनिया के अंदर क्या मिलना चाहिए, एग, शादी किससे होगी, एग से, एग से शादी को क्या बोलेंगे, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस, ओगैमस। एग से शादी करने को क्या बोलेंगे, इसलिए ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो सबके सब क्या है, जहां पे एग वर्ड आ गया तो ओगैमस, दिमाग ही नहीं लगाने। अब लाइफ साइकिल की बात करें, बहुत आसान है लाइफ साइकिल, लोग फालतू में परेशान होते हैं, लाइफ साइकिल देख लो पहले, फिर लिख लेना आराम से। ये लो जी गैमेटोफाइट है, अभी मैं इसके स्ट्रक्चर बाद में बनाता हूँ, पहले कॉमन सेंस से निकालेंगे लाइफ साइकिल, ज्यादातर बच्चे इसको याद करते रहते। दुनिया के सारे गैमेटोफाइट क्या होते हैं, अब गैमेटोफाइट क्या बनाना चाहिए, गैमेट, गैमेट, लो जी गैमेट बनाएगा। दुनिया के सारे गैमेट कहाँ बनते हैं, सेक्स ऑर्गन, तो गैमेटोफाइट बड़ा होके क्या बनाएगा, सेक्स ऑर्गन, आइदर इज मेल और, लो जी फीमेल सेक्स ऑर्गन, और मेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या होता है, एंथ्रीडियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम क्या होना चाहिए, आर्किगोनिया। आर्किगोनिया का शेप होता है फ्लास्क शेप। अब जितने भी सेक्स ऑर्गन है यहां पे क्या होने चाहिए, जैकेटेड। एम्ब्रियो है तो टिश्यू है, टिश्यू है तो सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, जैकेटेड। तो ये फीमेल हो गया, फीमेल की आर्किगोनिया की शेप कैसी है, फ्लास्क, फ्लास्क शेप के सेंटर में क्या है, एक्स है, इसका नाम आइडियली एनसीसी होता है, बीसीसी होता है, होता है, नो नीड टू लर्न द नेम। एंथ्रीडियम क्या होता है, ओवल शेप, इट इज कवर्ड बाय मल्टी सेल्यूलर जैकेट, कॉमन सेंस। हेलोफाइटा के बाद सबके सब एम्ब्रियोफाइट है, एम्ब्रियोफाइटा से सेक्स ऑर्गन सब में क्या होंगे, मल्टी सेल्यूलर जैकेट है, हो गया जैकेट। अब जैकेट के अंदर ये ओवल शेप का है, ओवल शेप के अंदर क्या मिलेंगे, एंथेरोजॉइड, एंथेरोजॉइड इज बाई फ्लैजिलेटेड। तो लो जी ये मेल गैमेट बना दिया, इसमें कितने गैमेट है, कितने फ्लैजिल है, तो इसको बोलेंगे एंथेरोजॉइड। अब कॉमन सेंस लगाओ, गैमेटोफाइट मिलता कहां है, पानी के आस, तो ये अपने गैमेट कहां रिलीज करेंगे,
पानी में रिलीज करेंगे तो येलो जी रिलीज इनटू द वाटर, रिलीज इनटू, और वाटर में रिलीज करने के बाद ये स्विमिंग करते करते किधर जाना चाहिए, एक के पास। येलो स्विमिंग करते करते पहुंच गए एक के पास, तो शादी अंदर हुई की बात। अब कॉमन सेंस एक चीज और लगाओ, फीमेल बुला रही है तभी जाएगा मेल। तो आर्किगोनिया विल सीक्रेट सम केमिकल्स, नो नीड टू लर्न द नेम ऑफ केमिकल्स, बुलाएगी तो ही जाएगा। तो शादी किधर हुई, अंदर की बात। अंदर को क्या बोलेंगे, इंटरनल। अब लोग जूलॉजी पढ़ने के बाद गड़बड़ करते हैं। जूलॉजी के अंदर क्या पढ़ते हैं अपन, एम्फीबियंस में इंटरनल की एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब ये बेचारा क्या कर रहा है, तो ध्यान से पढ़ना, एम्फीबियन पूछा है कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम पूछा है। बॉटनी वाले एम्फीबियंस क्या कर रहे हैं, घर में शादी, और जूलॉजी वाले, तो ध्यान से पढ़ना, एम्फीबियंस लिखा है एम्फीबियंस ऑफ। अब शादी होने के बाद अंदर क्या बनेगा, आर्किगोनिया के अंदर फर्टिलाइजेशन से क्या बनना चाहिए, जाएगा। तो लो जी अंदर क्या बन गया, जायगोट। ये एम्ब्रियोफाइट है तो ये बड़ा होकर क्या बनाएगा, जायगोट, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बड़ा होकर क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट। ये पूरे पूरे टू है ना कि एन है, ये किधर बन रहा है, इन आर्किगोनिया, इन। तो आर्किगोनिया के अंदर ही पड़े, तो रहना के एटलीस्ट किसके लिए डिपेंडेंट हो गए, रहने के लिए, खाने के लिए, एटलीस्ट रहने के लिए तो होंगे, क्योंकि किसके अंदर बन रहा है। अब आर्किगोनिया शेप कैसी होती है देखो, तो गैमेटोफाइट बेचारा रूट लाइक स्ट्रक्चर रखता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर रखता है, और तो लो जी ये मैंने थैलस बना दिया। मर्केंसिया का ऐसा होता है, मॉस का ऐसा होता है, जैसा तुम्हारी मर्जी वैसे ले लेता, लीफ ऐसे अरेंज होती है मॉस, बराबर। इसके ऊपर आर्किगोनिया बन रही है, ये लो जी आर्किगोनिया बना रहा हूं मैं, और आर्किगोनिया के अंदर क्या बन रहा है, स्पोरोफाइट। लो जी इसके अंदर स्पोरोफाइट बना देते, ये आर्किगोनिया बन गई, इसके अंदर क्या बना देते, स्पोरोफाइट। इसके तीन पार्ट होते हैं, फुट सीटा और फुट सीटा और कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर बनती है एसएमसी, कैप्सूल के अंदर क्या बनती है, स्पोर मदर सेल। मदर सेल में क्या होगा, और मियोसिस से क्या बनेंगे, और स्पोर बड़ा होकर क्या बनाएगा, ये जनरल लाइफ साइकिल होगी। तो 2N का डेवलपमेंट किधर हुआ, आर्किगोनिया के। अगर ये कैप्सूल फोटोसिंथेटिक हो तो पार्शियल डिपेंडेंट, और ना हो तो दो तरह के होते हैं, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइटिक जनरेशन इज फाउंड इन ब्रायोफाइटा। स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज फाउंड इन गैमेटोफाइटिक जनरेशन, ये किधर मिलेगी, ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में 2N किसके ऊपर डिपेंड हुआ, एन पे, इस चीज के लिए, रहने के लिए या खाने के लिए। तो दो वर्ड मिलेगा, पार्शियल डिपेंडेंट या पार्शियल का मीनिंग क्या है, जो रहने के लिए हो बट खाने के लिए, और रहना खाना दोनों हो तो क्या बोलेंगे। पेज नंबर 43, पेज नंबर 43 ऑफ ओल्ड एनसीईआरटी, जस्ट बिफोर समरी वाला पेज, उसमें सेकंड थर्ड लाइन में मिलेगा, टोटली और पार्शियली डिपेंडेंट। टोटली और पार्शियली डिपेंडेंट मिला, ये अभी थोड़ी देर में फिर वापस बताएंगे। रफली लाइफ साइकिल निकाल सकते हैं, अब भूल जाओ कि ये इसकी लाइफ साइकिल है। गैमेटोफाइट क्या बनाता है, गैमेट। गैमेट दुनिया के सारे सेक्स ऑर्गन में पैदा होते हैं, लोग भूल जाते हैं साइकिल, इसको याद रखने का तरीका बता रहा हूं। गैमेटोफाइट क्या बनाना है, गैमेट। गैमेट दुनिया के सारे किसमें बनते हैं, सेक्स ऑर्गन, आइदर एंथ्रीडियम और एंथ्रीडियम में गैमेट ट्रेवलिंग करके आर्किगोनिया में जाएगा, शादी करके जाएगा, और एम्ब्रियो स्पोरोफाइट बनाएगा। स्पोरोफाइट अंदर स्पोर मदर सेल से स्पोर बनाएगा, स्पोर बाहर आके वापस गैमेटोफाइट, रिपीट द सेम साइकिल। हो गया तीन लाइन में, इसलिए इसको बोला आसान तरीके से जाएगी, डिटेलिंग नहीं जाएगी। अब इसी में दो तरह की क्लासेज होती है, एक आती है लिवर वर्ड, एक आती है मॉसिस। अब कुछ क्लासेज वाले तीन पढ़ाएंगे, लिवर वर्ड, हॉर्न वर्ड और मॉसिस। मुझे आती नहीं, क्या करूं मैं, ये पेटिक ऑप्सिडा, एंथोसिन ऑप्सिडा,
मतलब ऑनवर्ड ऑन सर ऑनवर्ड का फिर एग्जाम्पल पढ़ाते हैं, एंथोसिरोस, नो नीड टू लर्न। एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, रिवर्वर्ड और उतना ही पढ़ना है, ऑनवर्ड की लाइफ साइकिल नहीं पढ़नी है। वॉट इट, आगे बात करें, ये लाइफ साइकिल क्लियर? कॉपी करनी है क्या? तो कर लो, लाइन खींच देता हूं। इस लाइन से ऊपर कौन सी जनरेशन है और लाइन के नीचे, तो यस कॉपी करना है, कर लो। अभी ये साइकिल तीन बार पढ़ेंगे, अभी कितनी बार, यस कॉपी करना है, कर लो, कोई इशू नहीं। चलो जी स्टार्ट करें। अब लीवर वर्ड और मॉस में लोग फालतू फालतू का परेशान होते हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रायोफाइटा, मैं एनसीईआरटी लेवल पे पढ़ा रहा हूं, उससे ज्यादा आजकल आता नहीं है, तो ज्यादा टेंशन लेना मत। तो इसकी दो क्लासेस होती हैं तुम्हारे लेवल पे, एक आती है लीवर वर्ड, एक मॉस, एक लीवर वर्ड आती है और एक मॉस को मस्काई बोलते हैं, ब्राक्सिडा बोलते हैं, लीवर वर्ड को बोलते हैं हिपेटिक ऑप्सिडा। हिपेटिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है, लीवर। तो लीवर वर्ड पहले देखते हैं इनका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। देखे लीवर वर्ड होते हैं ऐसे, डोर्सी वेंट्रल फ्लैट, कैसे दिखते हैं ये देखो, डोर्सल वेंट्रल फ्लैट, डाइकोमेटस ब्रांच, देखिए दो ब्रांच ऐसे, अगर दिल्ली दिख रहा है राइट, इसका ऐसे डायग्राम दिखा देते हैं, हो गया। डोर्सी वेंट्रल फ्लैट डाइकोमेटस ब्रांच दिखे, दो ब्रांच दिखे, नीचे की तरफ क्या स्ट्रक्चर होनी चाहिए, रूट लाइक, ये लो जी रूट लाइक क्या बना दिया मैंने, राइजॉइड इज रूट लाइक यूनिसेल्यूलर, वर्ड क्लियर। ये जमीन पे ऐसे पड़े रहते, ऐसे ऐसे भी नहीं रहते, ऐसे टेढ़े रहते। अब टेढ़े रहने के लिए क्या लगाते, स्टैंड, स्टैंड का नाम स्केल होता है, नॉट इन योर सिलेबस। तो डोर्सी वेंट्रल फ्लैट, डोर्सी वेंट्रल डाइकोमेटस ब्रांच क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम मतलब किसी चीज से अटैच हो सकता है, ऐसे जमीन में ऐसे पड़ा रहता, क्लियर, जमीन में ऐसा पड़ा रहेगा, ऐसे भी नहीं होता सीधा, ना ऐसे खड़ा रहता है, टेढ़ा सा पड़ा रहता है, इसलिए बोलते क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेटम, वर्ड क्लियर। अब इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी हो सकती है, एक दो नालायक प्राणी इसके ऐसे होते हैं, ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, इसमें लीफ दो रो में होती है, दिख रही दो रो, एक रो और एक रो, कितने रो हो गई, तो लीफ कितने रो में होती है, दो में, कुछ मेंबर्स में होती है सब में नहीं होती, कुछ मेंबर्स में होती है सब में नहीं होती। एग्जांपल इज पोरेला नॉट इन योर सिलेबस, एनसीईआरटी का लाइन है, लिखी थी लीफी मेंबर्स इन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन अ टू रो ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स, नीचे रूट लाइक होगा, ऊपर स्टेम लाइक है और लीफ ऊपर क्या होगी, लीफ लाइक, वर्ड क्लियर, लीवर वर्ड क्लियर। आगे बात करें मॉस कैसे दिखते हैं, देखो पहले एक बार, लास्ट में तुम्हें डिफरेंस बताना, याद वही रखना, ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, अरे मैं याद करा दूंगा डोंट वरी, तुम्हें डायग्राम से याद रहेगा, ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें होते हैं मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोइड, दिख रहा ब्रांचिंग, इट्स हैविंग द मल्टी सेलुलर ब्रांच, यहां पर राइजोइड कैसा है, तो मल्टी सेल्यूलर ब्रांच राइजोइड, व्हाट इज द रोल ऑफ द मल्टी सेल्यूलर ब्रांच राइजोइड, ग्रिप किसकी ज्यादा अच्छी होगी, बस की। अब स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर क्या स्ट्रक्चर होनी चाहिए, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिख गया, व्हाई स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, क्योंकि वैस्कुलर टिश्यू नहीं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर कैसे होगी, यहां पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन अ स्पायरल अरेंज, दिख रहा है स्पायरल अरेंजमेंट, तो लीफ कैसे अरेंज है, लीफी मेंबर्स अरेंज स्पायरल, अब कोई बात नहीं, एनसीईआरटी ओपन करो 34, ए डायग्राम और डी डायग्राम, ए डायग्राम और सी डायग्राम दोनों साथ में देखो, ए डायग्राम में तुम्हें ऐसे दिख रहा होगा डोर्सी वेंट्रल फ्लैट डाइकोमेटस ब्रांच, देखो नीचे यूनिसेलुलर राइजोइड दिख रहा होगा, ए डायग्राम में दिख रहा है,
सी डायग्राम में देखो तुम्हें मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोइड दिखेगा, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, और लीफ उसमें कैसी दिखेगी, स्पायरल। ऐसे तो ध्यान से देखना, ऐसे ऐसे फील आएगा, स्पायरल अरेंजमेंट ऐसे फील आएगा, प्रॉपर स्पायरल वाला। सी डायग्राम में दिख रहा है? अब ये मत बोलो सर सी डायग्राम बिलोंग्स टू द फ्यून एरिया। सी डायग्राम कौन सा है? फ्यून एरिया का। ओल्ड एनसीईआरटी 34, न्यू में -6 कर देगा। मॉस और लीफ क्लियर। अब लीवर वर्ड की बात करते हैं या मॉस की? चलो पहले लीवर वर्ड की बात कर लेते हैं। लीवर वर्ड में ये एग्जाम्पल किसके, इसके एग्जाम्पल है मर्केंसिया। एग्जाम्पल है ये बेचारा नालायक प्राणी है, इसके अलावा सबके सब मोनोशियस है। मर्केंसिया को छोड़ के पूरे पूरे ब्रैकेट के मोनोशियस का मीनिंग पता है ना, बाइसेक्सुअल। ये अकेला क्या है? डायोशियस। अब लड़का लड़की दोनों देखो, अब इसकी लाइफ साइकिल ऑफ मर्केंसिया देखेंगे, लीवर वर्ड देखेंगे। तो लो जी लीवर वर्ड का लाइफ साइकिल। लीवर वर्ड ये रहे बेचारे, लीवर वर्ड ये वही स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, ये रहा दैट इज डोर्सी वेंट्रल फ्लैट। नीचे क्या होने चाहिए? यूनिसेल्यूलर राइजोइड। अब दुनिया में शादी करनी है बेचारों को तो दो तरह से शादी होती है, असेक्सुअल और। चलो जी पहले असेक्सुअल शादी की बात करेंगे। अब चाहे चाहे मॉस हो, हेलोफाइट्स है, मोस्ट कॉमन शादी कौन सी करते हैं? फिलामेंट से। तो असेक्सुअली दो तरह से शादी करते हैं। पहला फ्रेगमेंटेशन, दिमाग ही नहीं लगाना। फ्रेगमेंटेशन सबको पता है क्या है? ईच फ्रेगमेंट विल फॉर्म द न्यू इज कॉल्ड ए फ्रेगमेंटेशन। वर्ड क्लियर। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये क्या करता है? ये कप शेप डिप्रेशन के अंदर बिस्किट शेप स्ट्रक्चर बनाता है, उसको बोलते हैं जैमा। अब ये जैमा वर्ड कंफ्यूज होते हैं, कुछ लोगों ने 12th की एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ जेम्यूल, जेम्यूल का डायग्राम पढ़ा हुआ, ऐसा कुछ आर्कियोसाइट्स कवर्ड बाय स्पॉन्ज का ऐसा कुछ डायग्राम देखा होगा। तो जेम्यूल और जैमा ध्यान से पढ़ना, कहीं बाद में लोग स्पेलिंग एरर कर देते हैं। तो जैमा और जेम्यूल दोनों एक जैसे लग के फिर जेम्यूल पहुंचा दोगे किधर, और जैमा को पहुंचा दोगे। तो ध्यान से रखना, जेम्यूल इज फाउंड इन स्पॉन्जेज और जैमा इज फाउंड इन। अब इसको याद रखने का तरीका, इट हैविंग द कप शेप डिप्रेशन, बन गया कप शेप डिप्रेशन। तो ये लो जी कप शेप डिप्रेशन। एनसीईआरटी में देखो किस चीज का डिप्रेशन दिखेगा, डिप्रेशन के अंदर ये कप शेप डिप्रेशन को बोलते हैं जैमा कप। जैमा कप के अंदर क्या मिलेगा? बिस्किट शेप स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं क्या? ग्रीन कलर का बिस्किट शेप स्ट्रक्चर बोलते हैं ग्रीन असेक्सुअल, ग्रीन मल्टी सेल्यूलर असेक्सुअल, ग्रीन मल्टी सेल्यूलर। जब तक कप में बिस्किट है तब तक ठीक है, कप हिला बिस्किट गिरा, कप हिला तो सेपरेट फॉर्म कप। कौन सा कप? जैमा कप। कप में से निकलने के बाद पानी में से फ्लोट करेगा, किसी से चिपकेगा नया बन जाएगा। अटैच विद सबस्ट्रेटम एंड कन्वर्ट इनटू न्यू एंड न्यू थैलस फ्रॉम न्यू थैलस। ये किधर मिलता है? एग्जांपल इज हो गया मर्केंसिया। मर्केंसिया या तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया या क्या करेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब पीवाईक्यू में बहुत बार ये लड़का लड़की का फोटोग्राफ चिपका देते हैं, बताते हैं कि पूछते हैं ये सब फीमेल थैलस और मेल थैलस। तो याद रखना मेल के पास सुदर्शन होता है, फीमेल के पास टियारा होती है। टियारा नहीं पता? लड़कियां नहीं पहनती, एक लोहे की रिंग होती है, उसमें छोटे छोटे बाल फूल लगे होते हैं, बराबर। अरे मेरे बच्चे ने एक बार पहना, बोला पापा पहनना, मैंने पहनो आराम से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बराबर। अब आतिफ सोच रहा है, आतिफ सोच रहा है क्या? नहीं सोच रहा। तो आतिफ पढ़ाई करेगा राइट। चलो ये फोकस, चलो पहले फोकस कर लेते हैं, बाद में हम डिस्कस कर लेंगे अबाउट टीआरआ एंड टीआरआ। अकेले मर्केंसिया में ये सारे सारे जो फीमेल है, ये फीमेल का टीआरआ ऐसा ही होता है,
अगर नहीं पता हो तो कपूर एंड सन्स के अंदर देखना, आलिया भट्ट भी लगा रखे। ये टीआरआ है, टीआरआ इज अटैच और स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। इसी स्टॉक लाइक इसी टीआरआ को क्या बोलते हैं? आर्किगोनिया। अब एग्जाम में ये टीआरआ क्यों बताया? कप शेप स्ट्रक्चर नहीं बोला, फ्लैश शेप स्ट्रक्चर नहीं क्यों बोला? क्योंकि एग्जाम में डायग्राम पहचानना है कि ये मेल का है फीमेल का है। पूछ लेते कि मेल है कि फिर लोग पूछते हैं मेरे को क्या पता, तुम्हें इसका डायग्राम पहचानने का तरीका क्लियर। 34 देख लो डायग्राम, ए डायग्राम तुम्हें ऐसा फील आएगा जिसको। अब आर्किगोनिया तो फीमेल थैलस बोलेंगे, मेल थैलस, फीमेल थैलस। इट इज प्रेजेंट ऑन स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? आर्किगोनियोफोर, आर्किगोनियो। तो लड़के बेचारे किस पे बैठे रहेंगे? तो ये लो जी, ये सुदर्शन जैसा फोटोग्राफ है। वैसे ओवल शेप होता है, बट डायग्राम देखना है ना अपन को, एग्जाम में डायग्राम पहचानना है। तो ये क्या है? ओवल शेप, इट इज प्रेजेंट, इसको क्या बोलेंगे? मेल को, एंथ्रीडियम। तो मेल और फीमेल को पहचानने का तरीका भी है, मेल में सुदर्शन वाली फीलिंग आएगी और फीमेल में टीआरआ वाली फीलिंग आएगी। इट इज प्रेजेंट ऑन स्टैक लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे? एंथ्रीडियो, एंथ्रीडियो फोर, एंथ्रीडियो। क्लियर? अब मेल के अंदर क्या बनेंगे बेचारे? मेल गैमेट, मेल गैमेट में कितने फ्लैजेला होने चाहिए? दो। ये यहां से निकलेगा और जाएगा किधर? किसके थ्रू गया? थ्रू वाटर। थ्रू वाटर जाने को क्या बोलते हैं? जोडियोगेमी। जाने के बाद क्या होगी? इंटरनल, वही साहब सेम साइकिल रिपीट हो रही है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? जायगोट किसमें कन्वर्ट होगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किसके अंदर बना? आर्किगोनिया के अंदर। स्पोरोफाइट की एम्ब्रियो क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट के कितने पार्ट होंगे? कौन कौन से? ओक्सीटा और कैप्सूल के अंदर क्या होगी? एसएमसी। एसएमसी में क्या होगा? मियोसिस से क्या बनेगा? और स्पोर जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा? बराबर। ये लाइफ साइकिल ऑफ ग्राफाइट इज ओवर। लिवर वर्ड का क्लियर? लिवर वर्ड का एग्जांपल आपको पता है मर्केंसिया। मर्केंसिया के अलावा सबके सब क्या है? मोनोसियस। तो मैं सारे सारे मोनोसियस के एग्जांपल एक साथ लिखवा देगा। इधर क्लियर? इनकी लाइफ साइकिल मैंने जो पहले बताई थी वो किसकी बताई थी? मर्केंसिया की। बस अब मैंने दोबारा बना के बता दिया। क्लियर? कोई डाउट? बनाने की जरूरत है क्या? इट विल इंक्लूड द ऑल द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी। तो तुम्हें फ्रेगमेंटेशन भी मिलेगा 35 पे। क्या मिलेगा? दूसरा तुम्हें मिलेगा जेमा, और तीसरा तुम्हें मिलेगा कि मर्केंसिया इज सारे सारे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस ऑन अ डिफरेंट थैलाई इन मर्केंसिया। तो मर्केंसिया इज डायोसियस, बाकी सब क्या है? तो इट विल इंक्लूड द ऑल द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी। मर्केंसिया इज ओवर। लिखना है क्या? चलो देखे आगे। बॉस, मॉस की लाइफ साइकिल में सेम ही है। लो जी, मॉस देखो कैसी होती है। मॉस की क्लास का नाम क्या होता है? मस्का या ब्रायोप्सिड। मॉस दिखती कैसी है? सी डायग्राम और डी डायग्राम देखो। 35 इसमें कैसे है ब्रांच? मल्टी सेलुलर ब्रांच, राइजोइड, सीएलओ जी। इट इज प्रेजेंट ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। दिख रहा है स्टेम लाइक स्ट्रक्चर? स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे कौन अरेंज है? स्पाइरली अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। अब ये मॉस का डायग्राम हो गया। अब लोग कंफ्यूज होते हैं लड़का किधर बनेगा, लड़की किधर बनेगी। हम तो पहले स्मार्ट लोग हैं, पहले क्या करेंगे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल में सबसे पहले वेजिटेटिव पढ़ लो, और नहीं पता तो क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन। बराबर। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेंगे, किसकी बात करेंगे? तो यही बेचारा क्या है? मोनोसियस की डायोसियस। मर्केंसिया को छोड़ के सबके सब क्या है? तो इट विल फॉर्म द मेल एंड ऑन द सेम थैलस। अब 35 पे 34 पे डी डायग्राम ध्यान से देखना है। तुम्हें यहां दिखेगा ऐसा डायग्राम दिखेगा स्पेग्नम का, उसमें सेंटर में तुम्हें ऐसे फीमेल कोन दिखेंगे। ध्यान से देखना, ऐसा लगेगा मोदक ही मोदक रखे। दिख रहा है? ध्यान से देखना, मोदक दिखेंगे बहुत सारे।
और शूटी ट्रिप पे तुम्हें तुम्हें लास्ट में क्या दिखेगा ऐसा एंथ्रीडियम, ध्यान से देखना, तो एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम फॉर्मेशन अक्रॉस है ना, शूट लीफी शूट अपेक्स, तो जितने भी सेक्स ऑर्गन बन रहे हैं कहाँ बन रहे हैं, तो एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम सेक्स ऑर्गन फॉर्मेशन किधर हो रहा है, फॉर्मेशन एट इधर होगा लीफी शूट अपेक्स, तो एंथ्रीडियम आर्किगोनियम डी डायग्राम में दिख जाएगा तुम्हें, ठीक है सबको। अब ये एक बनाएगा मेल, मेल का नाम क्या होना चाहिए, एंथ्रीडियम, मेल का नाम, फीमेल का नाम, आर्किगोनिया का शेप क्या पढ़ा है अपन ने, ये लो जी फ्लास्क की शेप बन गया। एंथ्रीडियम का शेप क्या है, ओवल शेप, इसके अंदर क्या बन रहा है, अंदर एंथेरोजॉइड, एंथ्रीडियम में क्या बन रहा है, लो जी एंथेरोजॉइड बना दो, एंथेरोजॉइड इज बाइफ्लैजिलेटेड, एंथेरोजॉइड रिलीज इनटू द वाटर, और वाटर से ट्रेवलिंग करते करते किधर जाएगा, तो आर्किगोनिया में क्या बनेगा, जायगोट, जायगोट से बड़ा होके क्या बनेगा, एम्ब्रियो, बड़ा होके क्या बनाएगा, स्पोरोफाइट के कितने पार्ट, तीन, कौन कौन से, फोर्थ, शीटा और ये लो जी कैप्सूल, सीटा और फुट। बस फर्क क्या है, वहां पे कैप्सूल नॉन फोटोसिंथेटिक था, यहाँ पे कैप्सूल क्या है, ये कैप्सूल बेचारा फोटोसिंथेटिक है। अब फोटोसिंथेटिक है तो बताओ ये फुली डिपेंडेंट हुआ पार्शियल, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन किसमें रहा है, इन आर्किगोनिया, इन तो रहने के लिए डिपेंडेंसी हुआ है कि खाने के लिए, क्योंकि फोटोसिंथेटिक है तो सिर्फ रहने के लिए ना, कि इसलिए बोलते पार्शियल डिपेंडेंट। अब ये कैप्सूल के अंदर क्या बनेगी, एसएमसी, एसएमसी में मियोसिस होगा, क्या बनेगा, अब आता है डिफरेंस। किसी ने झुंड मूवी देखी है, अमिताभ बच्चन वाली, मैंने तो देखी, मैं सब देख लेता है बेटा, मैं वल्ला आदमी है ना, हाँ तो दिखाएंगे ना अगले साल 5 मई को, 4 मई एग्जाम खत्म हो जाएगा ना, तो इसका रिलैक्स करेंगे, स्पोर जर्मिनेट होके, अब ये देखो ये स्पोर है, अब ये एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे बड़ा कॉम्प्लेक्स आएगा, देखो स्पोर जर्मिनेट होता है और इट विल फॉर्म द फिलामेंटस स्ट्रक्चर, इस फिलामेंटस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, प्रोटोनिमा, तो स्पोर जर्मिनेट होके क्या बनाता है, अब प्रोटोनिमा में होती है लेटरल बर्ड्स, ये क्या है लेटरल बर्ड्स, तो ये वापस क्या होता है, टूटता है, टूटने को अंग्रेजी में बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, बराबर, तो उसको ये बन गए बर्ड्स, ये क्या है बर्ड्स, इसको बोलते हैं लेटरल बर्ड भी बोल सकते हैं और सेकेंडरी प्रोटोनिमा, और सेकेंडरी प्रोटोनिमा क्या बनाता है, गैमेटोफाइट, इस गैमेटोफाइट में लीफ जैसी स्ट्रक्चर है या नहीं है, इसको बोलते हैं लीफी स्टेज, लीफी। अब यहां पे दो चीज पकड़ लो बस काम की, लीफी स्टेज किससे डेवलप हुआ और प्रोटोनिमा किससे डेवलप हुआ, मॉस की फर्स्ट फोर लाइंस क्लियर, इसमें लोग फंसते हैं। अब अंग्रेजी का वर्ड इलाबोरेट, दो वर्ड आएगा, दो बार आएगा, क्या आएगा, इलाबोरेट का मीनिंग होता है डेवलप, अब बताओ मॉस ज्यादा डेवलप है कि लीवर वर्ड, मॉस, अब मॉस क्यों ज्यादा डेवलप है, यहां पे स्पोरोफाइट इज मोर, फोटोसिंथेटिक है तो मोर डेवलप हुआ, वो नॉन फोटोसिंथेटिक इसलिए लेस डेवलप, इसलिए बोल सकते हैं स्पोरोफाइट इज मोर, स्पोरोफाइट ऑफ मॉस इज मोर इलाबोरेट देन लीवर वर्ड, वर्ड क्लियर। दूसरा यहां पे जो कैप्सूल फूटता है जिसके अंदर क्या है स्पोर्स, तो यहां पे कैप्सूल फूटने का एक मैकेनिज्म होती है, उस मैकेनिज्म का नाम है पेरिस्टोम टीथ, क्या नाम है, पेरिस्टोम टीथ, और वहां पे लीवर वर्ड के अंदर क्या था, ये कैप्सूल फूट रहा था तो फूटने में एक मैकेनिज्म हेल्प करती है, उसका नाम है केमिकल हेल्प करता है, इसका नाम है इलाटर, इलाटर इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, जो पानी को ऐसे ड्रॉप करेगा फिर फूटेगा, तो यहां पे जैसे एक बलून एक अचानक फूट गया तो कहीं भी फैल सकता है, यहां पे क्या होता है टीथ जैसी स्ट्रक्चर बनती, कैसी, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट से फूटेगा,
लंबे डायरेक्शन जा सकता है, इसलिए जाता है। इसमें पहले का तरीका यूनिक है, एडवांस है, इसलिए बोलते हैं स्पोर डिस्पर्सल इज मोर एलाबोरेट इन मॉस एज कंपेयर टू लीवर वर्ट। वर्ड क्लियर? तो बताओ व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द लीवर वर्ट एंड मॉस। काम का चीज यही है, पहला यहाँ पे मल्टी सेलुलर ब्रांच है, वहां पे नहीं है, ठीक है, वही यूनिसेलुलर है। दूसरा यहाँ पे स्पाइरल अरेंजमेंट ऑफ लीफ है, वहां पे यानी यहाँ पे लीफी स्टेज है, वहां पे यहाँ पे स्पोरोफाइट इज पार्शियली डिपेंडेंट, वहां पे फुली डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट। तीसरा डिफरेंस। चौथा स्पोर डिस्पर्सल इज मोर इलैबोरेट बिकॉज ऑफ पेरिस्टोम टीथ एज कंपेयर टू लैटस। चौथा डिफरेंस। पांचवा डिफरेंस, यहाँ पे प्रोटोनिमा और सेकेंडरी प्रोटोनिमा लीफी स्टेज बनेगा, वहां पे नहीं बनेगा, ठीक है, इधर क्लियर? इसलिए बोलते हैं कि अंबानी ऑफ गैमेटोफाइट कौन है? मॉस, क्योंकि इसके पास क्या है? लीफी स्टेज। लीफी स्टेज क्यों बोला? बिकॉज ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। मॉस सिंपलर, लीवर वर्ड सिंपलर, तो ये क्या हो गया? ब्रायोफाइट खत्म। डिफरेंस का चार्ट बनाना चाहे तो बना सकते हैं, योर एनसीईआरटी। तो इलाबोरेट वर्ड का मीनिंग लिख लेना क्या होता है? अरे मोर वर्ड लिखा हुआ है ऑलरेडी एनसीईआरटी। इलाबोरेट वर्ड का मीनिंग क्या है? तो एनसीईआरटी में दो जगह दो वर्ड मिलेगा तुम्हें मॉस के अंदर, कौन सा वर्ड? इलाबोरेट। तो लीवर वर्ड और मॉस में क्या फर्क है? अपन एनसीईआरटी के डिफरेंस देख रहे हैं, सो इधर उधर के डिफरेंस मत लेके आना, नहीं कुछ स्केल पकड़ लाएंगे। पहला डिफरेंस राइजॉइड, दूसरा लीफी स्टेज, तीसरा प्रोटोनिमा, चौथा स्पोर डिस्पर्सल, पांचवा डिपेंडेंसी ऑफ स्पोरोफाइट ऑन गैमेटोफाइट। अब एक क्वेश्चन पूछू छोटा सा, मॉस में एक स्पोर से एक बच्चा बनेगा, बहुत सारे बच्चे बनेंगे, क्योंकि एक स्पोर से प्रोटोनिमा बन रहा है, उसके हजारों टुकड़े हजारों बच्चे। इसलिए पहले चैप्टर में लिविंग वॉल पे पढ़ते हैं फ्रेगमेंटेशन कहाँ मिलता है, प्रोटोनिमा मॉस फिलामेंटस एल्गी और फंगाई। क्लियर? तो यहाँ पे लिवर वर्ड में क्या कैसा होता है? यूनि, यहाँ पे मल्टी सेल्यूलर ब्रांच, यहाँ पे लीफी स्टेज, यहाँ पे प्रोटोनिमा, यहाँ पे लेस डेवलप मोर डेवलप। डेवलप को कुछ लोग क्या बोलते हैं? इलाबोरेट। किसके थ्रू होता है? पेरिस्टोम टीथ। यहाँ पे फुली डिपेंडेंट और ये पार्शियल डिपेंडेंट, इसके लिए रहने के लिए। नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल मर गया केंसिया, और यहां पे एग्जाम्पल मैं भूल गया। एक तो पहला भूलने वाला गड़बड़ करने वाला एग्जाम्पल है पॉलीट्राइकम। मैंने ऐसा देखा है पॉलीट्राइकम पॉलीसिफोनिया बच्चे मिक्स कर देते हैं। मैं भी कभी तुम्हें कंफ्यूज करके दिखाएगा जब वाइवा करेंगे। दूसरा है फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया मैं इसलिए नहीं भूलता क्योंकि एनसीईआरटी में सी डायग्राम दिया हुआ है और स्फिग्नम बर्बर के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। स्फिग्नम तो मैं भूलता गड़बड़ करने, अगर मैं बच्चा होता तो मैं गड़बड़ क्या करता है? तो ज्यादातर बच्चे गड़बड़ कहां करते हैं? पॉलीट्राइकम विद पॉलीसिफोनिया, मैं तुम्हें मर्ज करके फील करा देगा। क्लियर? रेफरेंस खत्म। अब आता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्नम। चलो जी एनसीईआरटी निकालो 35, पहले एनसीईआरटी निकालो 35। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्नम, पांच वर्ड मार्क करो पहले। पहला, कुछ लोग खा लेते हैं, बर्ड और मैमल्स खाते, मैं तो नहीं खाता है। तो पहले पेज नंबर 35 सेकंड पैराग्राफ लीवर वर्ड से ऊपर, तो वहीं पे मिलेगा फूड। मिला? दूसरा पीट, पीट वर्ड मार्क करो, पीट मतलब फ्यूल होता है। दूसरा वर्ड मार्क करो कौन सा? पीट फ्यूल का काम करते, क्या करते? फ्यूल का काम। तीसरा डेंस मैट, मिट्टी के ऊपर चिपक जाता है, इसे सॉइल इरोजन नहीं होता,
इसका फायदा क्या करते हैं, वहां से अमेरिका से या कहीं से भी पेड़ पकड़ के लाना है, पेड़ के ऊपर चिपका दो, वाटर होल्डिंग अच्छी करता है, पकड़ के ले आते हैं। तो तीसरा वर्ड मार्कर हो गया, पहला मार्क किया डेंस मैट, चौथा पहला था फूड, दूसरा था पीट, तीसरा था डेंस मैट, चौथा लाइकेन के साथ फर्स्ट कॉलोनाइजर मिला, ग्रेट कॉलोनाइजर ऑफ अर्थ मिला, मिला ग्रेट कॉलोनाइजर। नेक्स्ट ट्रांसशिपमेंट, ट्रांस क्योंकि अब शिपमेंट करने के लिए क्या चाहिए, वाटर होल्डिंग अच्छा होना चाहिए। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ सिग्नल। ओके ये क्या कंप्लीट हो गया, बड़ा फायदा। कोई डाउट है तो बोल सकते हो, देख लो, देख लेते हैं एनसीईआरटी एक बार। चलो जी स्टार्ट करें टैरिडो, चलो जी टैरिडो फाइटा स्टार्ट करें, चलो फोकस फोकस टैरिडो फाइटा। अरे छोटा सा है, उसके बाद फिर वाइवा स्टार्ट कर देंगे। टैरिडो फाइटा प्लीज फोकस। चलो जी टैरिडो फाइटा को क्या बोलते हैं कुछ लोग, फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट, फर्स्ट वेस्कुलर टेरिस्ट्रियल प्लांट। कुछ क्लासेस वाले इसको पढ़ा देंगे रेप्टाइल्स और प्लांट किंगडम, वो लिखने में मजा नहीं आता, मैं लिखता नहीं हूँ। पहला वेस्कुलर प्लांट है, इसी को बोल सकते हैं फर्स्ट ट्रेकियोफाइट या वेस्कुलर क्रिप्टोगेम। आप कुछ लोग बोलेंगे सर ये क्यों पूछ लिया, पीवाईक्यू में मिलेगा। चलो जी जनरल कैरेक्टर का पे मारो, यही वैस्कुलर क्रिप्टो गेम है और यही वैस्कुलर क्या है, जोड़ियो गेम। व्हाई इट इज कॉल्ड एज जोड़ियो गेम, शादी करने के लिए क्या चाहिए पानी, तो मिलेगा किधर, हैबिटेट इज नियर वाटर, नियर नियर वाटर को बोलते हैं कुछ लोग कूल डैम्प शेडी एरिया। मेरे जैसा आदमी शियोफाइट्स बोल देते हैं, बट जरूरत नहीं। अब लो जी गप्पे, एम्ब्रियो होगा या नहीं होगा, होगा एम्ब्रियो। तो टिश्यू प्रेजेंट या एब्सेंट, टिश्यू प्रेजेंट। तो सेक्स ऑर्गन जैकेटेड या जैकेटलेस, वैस्कुलर टिश्यू होगा या नहीं होगा, वैस्कुलर टिश्यू। अब वैस्कुलर टिश्यू है तो रूट स्टेबलिश होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो यहां पे ट्रू रूट स्टेम लीफ प्रेजेंट। अब कैसी होगी बाद में देखेंगे। डोमिनेंट फेज इसमें सीड होगा क्या, फ्लावर होगा, फ्रूट होगा क्या, ये सब अपन गप्पे से निकाल सकते हैं राइट। अब ये मिलते हैं किधर है पानी के, तो रूट छोटा चाहिए कि बड़ा चाहिए, छोटा रूट। अब कोई पूछे कि छोटा कितना छोटा, तो छोटे को एडवांटेजेस बोलते हैं, बड़े को तो टैप रिप्लेस बाय रूट। क्लियर, रूट उतनी होगी जितनी जरूरत है। क्यों होगी छोटी, क्योंकि पानी का वाटर लेवल हाई है, क्योंकि पानी के आसपास मिलते, तो रूट कैसा होना चाहिए, एडवांटेजियस रूट। एडवांटेजियस कब बोलते हैं, जब रूट इज रिप्लेस, टैप रूट रिप्लेस बाय एडवांटेजियस। स्टेम होगा या नहीं होगा, होगा छोटी लीफ, बड़ा स्टेम बड़ी लीफ, लीफ कैसी होगी। आइदर इज माइक्रोफाइलस या मेगाफाइलस या पिनेटली कंपाउंड। चलो तीनों के बारे में देखते हैं, नीट में बहुत ट्रेंडिंग है, नीट में ये टॉपिक लीफ ट्रेंडिंग है, ये टॉपिक ट्रेंडिंग है। माइक्रोफाइलस नाम से लगाओ, लीफ कैसी होनी चाहिए, छोटी है बड़ी, माइक्रो वर्ड का मीनिंग छोटा। ये लो जी इतना बड़ा स्टेम है, इतना बड़ा, और लीफ कैसी दिख रही है तुम्हें, बड़ी लीफ छोटी लीफ बड़ा स्टेम दिख रहा है।
क्लियर। ये तुम्हें दिखेगा सलाजिनेला ए डायग्राम, पेज नंबर 37 ए डायग्राम देखो, एग्जाम्पल इज सलाजिनेला। कुछ लोग इसको बोल देते हैं वो अपना संजीवनी बूटी, सुना संजीवनी वो रामायण वाला सलाजिनेला बड़ा पेरिस, ये मूवी में दिखा रखा है राम सेतु मूवी के अंदर, देखा मैंने जान से मूवी, अरे मैं सब देखता रहता है। तो इसके टिप पे देखना तुम्हें, यहाँ पे लीफ तुम्हें ऐसी दिखेगी, तो इसके टिप पे क्या बन रहा है कोन, ध्यान से देखोगे 37 ए डायग्राम में तुम्हें कोन दिखेगा। अब डी डायग्राम देखे, डी डायग्राम इतना छोटा स्टेम, इतनी अमेरिका जितनी बड़ी लीफ, तो छड़ी छोटी लीफ बड़ा स्टेम, बड़ी लीफ एग्जाम्पल साल्विनिया एनसीईआरटी का डायग्राम, वैसे मैं गांव वाला आदमी क्या बोलूंगा, और नीम जैसी दिखे तो क्या बोलेंगे, पिनेटली कंपाउंड नीम जैसा, डायग्राम सी एग्जाम्पल इज फर्म में या तो मेगा फाइलस होगा या पिनेटली कंपाउंड। ये 37 का सी डायग्राम, ये 37 का डी डायग्राम, ये 37 का ए डायग्राम, लीफ क्लियर। जब इस लीफ को शादी कर रही हो तभी इसको अपन क्या बोलते हैं, एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन लीफ कन्वर्ट किसमें होती है, स्पोरोफिल, लीफ कन्वर्ट इनटू स्पोरोफिल। जब शादी करनी हो तो किसमें कन्वर्ट होगी, स्पोरोफिल, वर्ड क्लियर। आगे बात करें, अब ये स्पोरोफिल कैसे काम करती है, कुछ लोगों में स्पोरोफिल स्पाइरली अग्रीगेट होती है और क्या बनाती है, स्पाइरली अग्रीगेट होके बनाती है कोन, कोन का दूसरा नाम है स्ट्रोबिला या स्ट्रोबिलस। तो याद रखना पहले और चौथे ग्रुप में नहीं मिलता क्या कोन, कौन कौन से ग्रुप में मिलता है, सेकंड और थर्ड, तो ये मिलता है किधर, सेलाजिनेला ग्रुप, सेलाजी ये सेकंड ग्रुप, कौन सा ग्रुप है सेकंड ग्रुप, ए डायग्राम, ए डायग्राम के टिप पे कौन दिखेगा, ध्यान से देखोगे तुम्हें लीफ ऐसी पॉइंटेड दिखेगी, ऐसी पॉइंटेड। बी डायग्राम में देखो ऊपर नमस्ते कर रखा है, तो बी डायग्राम में क्या है, इक्वीस एटम, तो सेकंड और थर्ड ग्रुप में क्या मिलते हैं कोन, फर्स्ट और फोर्थ ग्रुप में क्या नहीं मिलते। तो ये टॉपिक नीट में बहुत बार है, बराबर। अब ये फॉरेन का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, सेलाजिनेला का तो मैंने सुना है, वहां पे लक्ष्मण जी भगवान उठ गए थे, मेडिसिनल, मैं नहीं बोला एनसीईआरटी बोल रही, पहला इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है मेडिसिनल, दूसरा दिखने में बड़ा प्यारा लगता है ऑर्नामेंटल, और मिट्टी को पकड़ लेते हैं लोग, तो एनसीईआरटी में पहले पहले दो, पहले दो तीन लाइन में यही मिलेगा, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ क्लेडोफाइटा कितने है? कौन कौन से, मेडिसिनल, सॉइल माइंडर और ऑर्नामेंटल, ये एनसीईआरटी की शुरुआत में मिलेगा। तो रूट स्टेम लीफ सैंपलर क्लियर। अब लाइफ साइकिल देखे, उससे पहले डोमिनेंट फेज कौन है इसका, 2n, डोमिनेंट फेज 2n, स्पोर कंडीशन इज होमोस्पोरस एंड, तो पहले अपन कौन सी लाइफ साइकिल देखे, होमो हेटेरो, तो चलो होमोस्पोरसिस, होमोस्पोरसिस बेवकूफ बना रखे, बेवकूफ क्यों, क्योंकि सेम एज ब्रायोफाइट। तो देखिए होमोस्पोरस लाइफ साइकिल, एग्जाम में सब बच्चे घर पर कहां फंसते हैं, लीव्स, माइक्रोफाइलस एग्जाम्पल इज मेगाफाइलस इज पिनेटली कंपाउंड इज। अब बेचारे 21 एटम में बी डायग्राम में देखो तुम्हें नोट्स के ऊपर तुम्हें क्या मिलेगी, स्केली लीव्स दिख रही है, स्केली लीव्स नोट के ऊपर स्केली लीव्स दिख रही है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखिए लाइफ साइकिल, तो इट विल शो द टू टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, पहले देखते हैं होमोस्पोरस, फिर पहले देखते हैं होमोस्पोरस लाइफ साइकिल,
इसको एक वर्ड में याद रखेंगे तो किसकी जैसी याद रखेंगे? ब्रायोफाइट। यस। अब इसका डोमिनेंट फेज क्या है? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का रूट है या नहीं है? लो जी, रूट लाइक स्ट्रक्चर है। रूट को ओपन क्या बोलेंगे? कौन सी रूट? एडवेंटिशियस। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर और लीफ मिलेगी, बराबर। तो रूट स्टेम लीफ है। अब इसको शादी करनी होगी तो ये लीफ कन्वर्ट इनटू, लीफ कन्वर्ट इनटू स्पोरोफिट। अब ये होमोस्पोरस है कि हेटरोस्पोरस? होमोस्पोरस और हेटरोस्पोरस में फर्क क्या है? नाम से आइडिया लगाओ। लड़का लड़की में भेदभाव ना करे तो होमो, भेदभाव करे तो हेटरो। तो ये बेचारे को लड़का लड़की से कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों में स्पोरोफिल मिलके क्या बनाती है? तो कौन बनता है सेकंड और थर्ड ग्रुप में? सेकंड और थर्ड ग्रुप, और फर्स्ट और फोर्थ में कौन नहीं बनता? अब स्पोरोफिल लीफ बना देता हूँ। ये लो जी, स्पोरोफिल बन गई। हो गया स्पोरोफिल। दुनिया की सारी स्पोरोफिल के अंदर क्या होती है? स्पोरेंजियम। यही पढ़ा था अपन ने एंजियोस्पर्म में। स्टैमेन के अंदर क्या मिलते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया, राइट? स्पोरेंजिया। ये लो जी स्पोरेंजिया। हो गया स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर क्या मिलना चाहिए? ये लो जी स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर क्या मिलनी चाहिए? एसएमसी में मियोसिस होगा, और मियोसिस होकर क्या बनेगा? तो ये लो जी स्पोर बना दिए। स्पोर अभी अभी तक किसके अंदर है? ये लो जी मेरे हाथ में लीफ है, ये कौन बना लो? पेड़ ही लेगा तो कौन फूटेगा? पत्ती फूटने के बाद किधर गिरेगा? चलो जी, रप्चर ऑफ स्पोरोफिल। रप्चर ऑफ, लो जी रप्चर एंड रिलीज ऑफ स्पोर। तो स्पोर ये जमीन में गिर गया, तो बड़े ठाकुर के पास है, छोटे ठाकुर के पास, ये बड़ा ठाकुर है स्पोरोफाइट जिसके पास थे, ये फूट के गिर गए। ऐसा हुआ, बड़े ठाकुर ने छोटे ठाकुर को लात मार के निकाल दिया। सूर्यवंश में यही देखा है, बराबर। अभी छोटा ठाकुर डिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट, लात मार के बाहर निकाल दिया ना, वो बेचारा फिर कैसे भी मांग के खाएगा, फिर बस चालू करता है, फैक्ट्री चालू करता है, हॉस्पिटल लाता है, बंगलो लाता है, सब लाता है, राइट? एक ही तो मूवी है जो अपन ने देखी है। तो बेचारा ये स्पोर जर्मिनेट होकर क्या बनाएगा? गैमेटोफाइट। अब ये गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट, फ्री लिविंग, फ्री लिविंग, मोस्टली फोटोसिंथेटिक। व्हाई मोस्टली? क्योंकि समटाइम्स इट्स अ सैप्रोफाइटिक, मोस्टली फोटोसिंथेटिक। अब ये बताओ, बड़ा ठाकुर बड़ा ही रहता है कि छोटा रहता है? ये बड़ा ठाकुर है, बड़ा ही रहेगा, ये छोटा ठाकुर छोटा ही रहेगा। बच्चा बच्चा ही रहता है, पापा पप्पा ही रहते हैं, ये पप्पा है और ये बच्चा है। अब ये बच्चा है, बच्चा है तो क्या बोलेंगे? स्मॉल इनकॉन्स्पिशियस, स्मॉल। जब भी अपन पूरी मूवी की बात कर लेते हैं, पूरी में बड़े ठाकुर की बात करते हैं, जब तक वो फोन की उल्टियां नहीं करते, बराबर। तो ये क्या है? स्मॉल इनकॉन्स्पिशियस गैमेटोफाइट। बच्चा बड़ा हो गया बट पापा से बड़ा कभी नहीं होता, तो वो क्या है? गैमेटोफाइट। उस इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट के लिए वर्ड यूज करते हैं प्रोथेलस। तो ये बड़े पप्पा है और ये छोटे पप्पा, ये बच्चा ही बोलेंगे। तो पप्पा के अंदर बन गया बच्चा, बच्चा बच्चे को लात मार के निकाला, बच्चा बड़ा हो रहा है, गैमेटोफाइट। दुनिया के सारे गैमेटोफाइट क्या बनाते? सेक्स ऑर्गन, आइदर इज मेल और व्हाट इज द नेम ऑफ मेल? एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम इज जैकेटेड और आर्किगोनियम इज फ्लास्क शेप जैकेटेड, राइट? इसके अंदर क्या बनेगा? आर्किगोनियम के अंदर क्या होगा? एग बन गया, एग। इसके अंदर क्या बनेगा? एंथेरोजॉइड। बस फर्क क्या है यहाँ पे? एंथेरोजॉइड में फर्क क्या आया? यहाँ पे मल्टी फ्लैजिलेटेड होता है, मल्टीसीलेटेड, और वहां पे कितने फ्लैजिला थे? अब यहाँ पे मेल ट्रैवलिंग करेगा किधर? पानी में, और पानी से ट्रैवलिंग करते किधर जाएगा? आर्किगोनिया में। आर्किगोनिया अभी भी किसके ऊपर है? गैमेटोफाइट पे। आर्किगोनिया में शादी होगी, क्या बनेगा? जाएगा और किसमें कन्वर्ट होगा? यंग एम्ब्रियो। यंग, ये एम्ब्रियो बेचारा निकल जाता है बाहर,
ये एम्ब्रियो वापस क्या होता है, सेपरेट फ्रॉम आर्किगोनिया, सेपरेट फ्रॉम, और ये बड़ा होकर क्या बनाता है, स्पोरोफाइट। बराबर, चीज क्लियर? तो वापस देख लो, मैं सब स्पोरोफाइट हूँ, नीचे होगी एडवेंटिशियस रूट स्टेम, ये लीफ जब शादी करनी होगी तभी किसमें कन्वर्ट होगी, स्पोरोफिल। ये कौन बना सकती है, नहीं बनाए, फूटेगी और अंदर से क्या निकलेगा, स्पोर। अभी कोई भी दुनिया की स्पोरोफिल हो, स्पोरोफिल के अंदर बड़ी यूज क्या करते हैं, स्पोर मदर सेल, स्पोरेंजिया, इसमें मियोसिस होगा, स्पोर मदर सेल में क्या बनेगा, तो स्पोर इसके अंदर बना है, गिर गया, गिर गया तो डिपेंडेंट हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ एक दूसरे से दोनों, इसलिए बोलते हैं इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, 2n के बाद n, n के बाद दोनों एक दूसरे डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। वो बेचारा गैमेटोफाइट बड़ा होगा, बट इतना पप्पा जितना बड़ा नहीं होगा, तो वो छोटा है, इनकॉन्सपेशन मतलब दिखा भी नहीं रहा है, फोटोसिंथेटिक भी है, काम चला रहा है, उसको क्या बोलेंगे, प्रोथेलस। बड़ा होके मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन बनाएगा, मेल ट्रैवलिंग करके पानी में जाएगा, पानी से फीमेल में जाएगा, शादी करके जाएगा, और एम्ब्रियो बच्चा, एम्ब्रियो बाहर निकल जाता है, एम्ब्रियो बाहर, और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्पोरोफाइट। क्या है तो कौन सी जनरेशन हुई, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, देखो लो जी इंडिपेंडेंट फील भी आएगा, यहाँ पे सेपरेट हो रहा है और यहाँ पे सेपरेट हो रहा है, इसलिए बोलते हैं इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब लो जी इसमें तुम्हें ब्रायोफाइटा फील करा दो, भूल जाओगी ब्रायोफाइटा की टेरिडो है, गैमेटोफाइट गैमेटोफाइट ही है, गैमेटोफाइट क्या बनाता है, मेल सेक्स ऑर्गन, और मेल में एंथ्रोजॉइट ट्रैवलिंग करके जाएगा पानी से आर्किगोनिया में, शादी करके जाएगा और एम्ब्रियो अंदर ही रह जाता है, तो ब्रायोफाइटा में क्या रहता है, तो स्पोरोफाइट अंदर ही बनेगा, स्पोर मदर सेल अंदर ही बनेगी, स्पोर बाहर गिरेगा, हो गया। बट डिफरेंस क्या आया, यहाँ पे डोमिनेंट फेज कौन सी है, ट्राइडोफाइटा में, तो जो भी कप्पे मारेंगे किसके बारे में मारेंगे, तो स्पोरोफाइट, तो रूट स्टेम लीफ के बारे में कप्पे मारे किसके बारे में मारे, स्पोरोफाइट के बारे में, क्लियर? ट्राइडोफाइट की होमोस्पोरस लाइफ साइकिल इज क्लियर, एग्जाम्पल नहीं समझ में आए सारे सारे क्या है, होमोस्पोरस, हेटरोस्पोरस छोड़ दो, तो हेटरोस्पोरस में अभी थोड़ी देर में बता दूंगा, कोई डाउट इसमें, बड़े ठाकुर से छोटे ठाकुर को अलग कर दो बस, हेटरोस्पोरस लाइफ साइकिल इज ओवर, कोई डाउट? तो हेटरोस्पोरस भी लगे आप देख ले, लो जी हेटरोस्पोरस ट्राइडोफाइट, हेटरोस्पोरस लाइफ साइकिल, हेटरोस्पोरस के चार एग्जांपल है, याद रखना, नीट में पीवाईक्यू में भर भर के ट्रेंडिंग है, इसकी एग्जाम्पल है, मैं भूल गया, साल्विनिया, अजोला, मार्सिनिया, सेलाजिनेला और मार्सिनिया, ये चारों एग्जांपल याद रखनी चाहिए। अब ये मत बोलना सर एनसीईआरटी में दो लिखे, एनसीईआरटी में देखने जाओगे तो तुम्हें ये कौन कौन सा मिलेगा, साल्विनिया और, बट तुम्हें चार क्यों याद रखने, क्योंकि ऑप्शन चार आते, तो पता नहीं कौन सा आएगा, सेलाजिनेला के अलावा ये तीनों की तीनों फर्न है, ये तीनों की तीनों फर्न है, और ये पानी में मिलती है, इन तीनों को अपन शॉर्ट में बोलेंगे एक्वेटिक फर्न, एक्वेटिक, तो ये फर्न तीनों की तीनों पानी में मिलती है। अब नाम से आइडिया लगाओ, डोमिनेंट फेज कौन सी है इसकी, टू है, सेलाजिनेला में कौन बनेगा, बाकी तीनों में कौन, सेकेंड और थर्ड ग्रुप में कौन बनता है, फर्न में कौन, तो ये लो जी स्पोरोफाइट के अंदर क्या होगी, स्पोरोफिल। अब कॉमन सेंस लगाओ, होमोस्पोरस देख रहे हेटरोस्पोरस, तो लो जी माइक्रोस्पोरोफिल होगा या मेगा स्पोरोफिल, क्यों बोला, लड़का है तो क्या बोलेंगे, और लड़की है तो, क्योंकि टॉपिक का नाम क्या है, हेटरोस्पोरस। लो जी मैं लीफ बना रहा हूं, ये लो जी लीफ बना दिया, ये माइक्रोस्पोरोफिल और ये मेगास्पोरोफिल। अब ये बताओ सर सेलाजिनेला में कौन बना दो, अंडरस्टूड है, माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर क्या होनी चाहिए, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया को क्या बोलते थे एंजियोस्पर्म में, माइक्रोस्पोरेंजिया, उसके अंदर क्या मिलती थी, माइक्रो एसएमसी, माइक्रो एसएमसी में क्या हो रहा था,
मियोसिस क्या बन रहा था? माइक्रोस्पोर। बराबर। अब यहां पे देखो मेगास्पोरोफिल के अंदर क्या बनता था? मेगास्पोरेंजिया, जिसका अपन जिम्नोस्पर्म में नाम दूसरा भी रख लिया था ओव्यूल। मेगास्पोरेंजिया के अंदर क्या मिलेगा? मेगा एसएमसी। मेगा एसएमसी में क्या होगा? मियोसिस। और क्या बनेगा? अब आएगा डिफरेंस। अब आएगा ये मेग माइक्रोस्पोर डेवलप होगा अंदर ही। किसके अंदर? तो ये माइक्रोस्पोरोफिल, ये माइक्रोस्पोरेंजिया, ये स्पोर अंदर डेवलप हो रहे हैं। तो इससे क्या बनेगा? मेल गैमेटोफाइट। क्या बनेगा? किसके अंदर बना ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर? मेल गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। तो डिपेंडेंट हुआ इंडिपेंडेंट? अंदर ही बन गया, वहां पे बाहर निकल के बच्चा बन रहा था, यहाँ पे अंदर ही बन गया सब, लड़का लड़की सब अंदर जो भी है। अब मेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या मिलना चाहिए? अरे गैमेटोफाइट बड़ा होके क्या बनाएगा? सेक्स ऑर्गन। मेल का नाम एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम में क्या बनेगा? एंथेरोजॉइट, जो पानी में ट्रेवलिंग करके जाएगा। तो इसमें क्या बनेगा? तो एंथेरोजॉइट किधर बना? मेल में, फीमेल में? स्पोरोफाइट के अंदर ही बन गया। अब ये स्पोरोफाइट फूटेगा तब पानी में निकलेगा। तो आर्किगोनिया ये क्या बनाएगा? फीमेल सेक्स ऑर्गन। क्या बनाएगा? तो फिर ये मेगास्पोर बड़ा होकर फीमेल गैमेटोफाइट, जो क्या बनाएगा? आर्किगोनिया। तो आर्किगोनिया मेल में बनी, फीमेल में बनी? अब ये ट्रैवलिंग करके गए, जाएगा फीमेल में, शादी होगी, शादी होगी, ये लो जी आर्किगोनिया बना दी। शादी होने के बाद अंदर ही क्या बनेगा? जाएगा अंदर ही क्या बनेगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो अंदर रह जाता है तो सीड बन जाता है। तो यंग एम्ब्रियो सेपरेट फ्रॉम, तो ये यहां से ट्रैवलिंग करके किधर जा रहा है? आर्किगोनिया। ट्रैवलिंग करने के बाद क्या हो रहा है? जायगोट। जायगोट किसमें कन्वर्ट हो रहा है? यंग एम्ब्रियो। और यंग एम्ब्रियो क्या हो रहा है? सेपरेट। और सेपरेट होने से क्या, सेपरेट होके क्या बन गया? अब यहां पे यंग एम्ब्रियो सेपरेट हुआ, क्या हुआ? इसलिए सीड नहीं बना। इसलिए बोलते प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट। अब कुछ लोगों को लगेगा सर ये प्रीकर्सर ऑफ सीड हैबिट क्या है? तो लो जी भूल जाओ इसको, सबने एंजियोस्पर्म पढ़ा है। जब भी तुम्हें सीड हैबिट की बात करे दिमाग में नहीं लगाने, एंजियोस्पर्म पढ़ा है ना, बस वो आना चाहिए। लो जी एंजियोस्पर्म से मैं सीड हैबिट की फीचर्स निकाल लूंगा। ये बेचारा स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी, ओवरी का फीचर बताओ क्या था? ओवरी। ओवरी फ्यूचर में किसमें कन्वर्ट होता है? फ्रूट। ओवरी टू एन है कि एन है? टू एन को गैमेटोफाइट बोलेंगे, स्पोरोफाइट। इसके अंदर क्या मिलता है? ओव्यूल इज टू एन की एन। तो ये दोनों किसके पार्ट हो गए? स्पोरोफाइट के, गैमेटोफाइट के। और मैंने सुना है कि ओव्यूल फ्यूचर में किसमें कन्वर्ट होता है? सीड में। लो जी ये किसमें कन्वर्ट होगा? अब ओव्यूल के अंदर क्या मिलता है? फीमेल गैमेटोफाइट। क्या मिलता है? फीमेल। तो फीमेल गैमेटोफाइट किसके अंदर मिल रहा है? पेरेंट स्पोरोफाइट के अंदर। फीमेल गैमेटोफाइट किसके अंदर मिल रहा है? पेरेंट स्पोरोफाइट। अब मैंने सुना है फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या मिलता है? एग। एग शादी करके क्या बनाता है? जायगोट। जायगोट किसमें कन्वर्ट हो रहा है? तो एम्ब्रियो, एम्ब्रियो इज ये जो एग है, ये गैमेटोफाइटिक जनरेशन है, स्पोरोफाइटिक, गैमेटोफाइटिक। और जायगोट इज फ्यूचर जनरेशन। तो मैं बोल सकता हूं यहां पे इसको फ्यूचर स्पोरोफाइट, फ्यूचर जिसको अपन क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो। डेवलप किधर होना चाहिए? डेवलप इन फीमेल गैमेटोफाइट। डेवलप इन, बराबर। और फीमेल गैमेटोफाइट किसके अंदर होना चाहिए? प्रेजेंट ऑन, फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट ऑन, प्रेजेंट ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट, राइट। तो सीड बनने की पहली रिक्वायरमेंट क्लियर।
एम्ब्रियो फीमेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट, पहला रिक्वायरमेंट क्लियर। दूसरा रिक्वायरमेंट ऑफ सीड एमिट, रिक्वायरमेंट ऑफ पहला इज यंग डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो इन फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट शुड रिटेन ऑन पैरेंट स्पोरोफाइट। दूसरा है हेटरोस्पोरस कंडीशन, हेटरो। अब क्वेश्चन आना चाहिए कि दिमाग में कि भाई टेरिडोफाइटा के अंदर प्रीकर्सर ऑफ सीड एमिट मिला। वापस देखो, टेरिडोफाइटा में एम्ब्रियो कौन सी स्टेज में निकला? एम्ब्रियो रह जाते, एम्ब्रियो है जो किधर बन रहा है? फीमेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट कहां पे है? स्पोरोफिल के अंदर, राइट। तो ये स्पोरोफाइट के अंदर क्या मिल रहा है? फीमेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या बन रहा है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो रह जाता तो सीड बन जाता, तो रहा क्या? तो सेपरेट हुआ, इसलिए क्या बोलेंगे? तो प्रीकर्सर ऑफ सीड एमिट इज फाउंड इन एंडोफाइट। वाइज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रीकर्सर ऑफ सीड एमिट का मीनिंग क्लियर? तो ये दो कंडीशंस एनसीईआरटी में मार्क कर लेंगे पेज नंबर 38 पे, क्लियर। लोग ये लाइन में कंफ्यूज होते हैं, यंग एम्ब्रियो सेपरेट फ्रॉम फीमेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट शुड रिटेन ऑन पेरेंट स्पोरोफाइटिक जनरेशन। मिला सीड एमिट डकवर्ड के आगे पीछे की लाइन, क्लियर। तो सीड एमिट को लेके बहुत परेशान होते हैं लोग। जैसे तुम कंफ्यूज होने लोगों किसकी तरफ पहुंच जाना, एनजीओ तो भर भर के पढ़ा है सबने। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किसमें? एम्ब्रियो सैक में। फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट किसमें? एम्ब्रियो रह जाता तो सीड, तो सीड बनने की दो रिक्वायरमेंट, पहला और दूसरा हेटरोस्पोरस, दोनों क्लियर। तो ज्यादातर बच्चे फंसते रहते सीड एमिट को लेकर। सबसे आसान टॉपिक ये क्या है, मैं बोलता हूँ जाने का ही नहीं टेरिडो से, किसे जाना है? एनजीओ पढ़ा है सब। ये स्पोरोफाइट है पूरा, ये ब्राउन कलर येलो कलर जो भी है वो क्या है? फ्लोरोसेंट कलर कौन सा है? गैमेटोफाइट। इसके अंदर क्या बन रहा है? गैमेट शादी करके क्या बन रहा है? एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किधर? फीमेल ऑफ गैमेटोफाइट किसमें होना चाहिए? पहला रिक्वायरमेंट। दूसरा क्या होना चाहिए? एनजीओ जिम्नो दोनों क्या है? हेटरोस्पोरस। इसलिए सीड किसमें बनता है? जिम्नो। और टेरिडो में क्यों नहीं बना? क्योंकि यंग एम्ब्रियो सेपरेट हो गया, एम्ब्रियो निकल जाएगा तो सीड नहीं बनेगा। व्हाट इज सीड? क्लियर। प्रीकर्सर ऑफ सीड एमिट क्लियर। नाउ इज द क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइटा, क्लासिफिकेशन ऑफ, देख ले वो भी तो लिख लेना, क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइटा। अब कुछ लोग पढ़ते हैं, मैं बोलूंगा तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट हो सब लोग। चलो जी, इसकी चार क्लासेज है। पहला साइलोप्सीडा, साइलोप्सीडा का एग्जांपल है साइलोटम, साइलो। दूसरा है लाइकोप्सीडा, इसका दो एग्जांपल है लाइकोपोडियम और सेलाजिनेला। याद रखना तुम स्मार्ट हो गधे हो, जी फील कर लेंगे थोड़ी देर में, तुम स्मार्ट होगा देव। मेरे हिसाब से सब क्या हो? आतिफ को छोड़ दो, बाकी मेरे हिसाब से सब लोग क्या है? आतिफ तुझे कॉन्फिडेंस किसके लिए? स्मार्ट के लिए, गधे के लिए? तुम सब क्या हो? स्मार्ट। मेरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इसका एग्जांपल इज 21 एटम, इसका लोकल नेम इज, एनसीईआरटी में हॉस्टेल वर्ड दिया हुआ है, एनसीईआरटी में क्या मिलेगा? चौथा इज टेरोप्सीडा, टेरोप्सीडा में आएंगे फर्न, फर्न की चार छह एग्जांपल है, एडियंटम, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, अजोला, मार्सिलिया, साल्विनिया। ये एग्जांपल बता दिए पहले, ये तीनों एक्वेटिक है। लो जी, इसके बारे में पढ़ना नहीं है क्योंकि ये अकेला ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल है, इसके अलावा पूरे खानदान के लोग उड़ चुके हैं तो पढ़ने की जरूरत। इसको पढ़ने का तरीका 37 ए डायग्राम,
37 ए डायग्राम में इतना बड़ा स्टेम, इतनी छोटी छोटी लीफ, वही डायग्राम में लेबलिंग कर लेना माइक्रोफाइलस। और टिप में क्या मिल रहा था? कोन। तो लेबलिंग कर लेना 37 के ए डायग्राम में माइक्रोफाइलस और कोन, लेबलिंग कर लो एनसीईआरटी में बेटा। हो गया, रूट कैसे होगी नहीं पता तो हमको पता है पहले से। एडवेंटिशियस स्टेम में भी अंडरग्राउंड और इरेक्ट, अंडरग्राउंड को लोग राइजोम बोलते, क्या बोलते? और इरेक्ट। इसमें स्टेनोफिटा हॉस्टेल बी डायग्राम, इसमें दो लेबलिंग कर लिया माइक्रोफाइलस और कोन। यहाँ पे देखो राइजोम भी दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा? राइजोम बड़ा होकर इरेक्ट हो रहा है, इरेक्ट के सिर पे क्या मिल रहा है? कोन। अभी होता था कोन को स्टोबलाई बोलते, इरेक्ट पार्ट है तो इसमें क्या मिलेंगे? नोड और इंटरनोड। देखिए नोड, नोड पे क्या मिलती है? स्केली लीव्स। क्या मिलती है? स्केली लीव्स। अब इसमें तो एक्स्ट्रा कचरा आता है, वो सिलेबस में नहीं है कि इसकी सेल वॉल में, एपिडर्मिस में, सेल वॉल के अंदर सिलिका मिलता है जो रबर रब होता है और जंगल में आग लग जाती है, नीट में नहीं आता। पेरोक्सीडा सी ओ डी डायग्राम, सी डायग्राम और सी डायग्राम इज पिनेटली कंपाउंड और डी डायग्राम इज नेक्रोफाइलस या मेगाफाइलस। लॉजिक खत्म हो गया। और उसमें से ऐसे लगेगा जैसे बाल ऐसे छोटे छोटे, वो फीमेल्स के बाल देखना काफी सारे ऐसी छोटी छोटी चोटियां लटकी हुई है, वो फ्लोटिंग लीव्स है। डी डायग्राम में बहुत ब्राउन कलर की या ग्रे कलर की लीफ लटकी हुई है, उसका नाम लिख लेना कौन सी लीफ है, वो फ्लोटिंग लीव्स। अरे बहुत सारी छोटी छोटियां दिखेगी तुम्हें फीमेल वाली। ओके, इसको बालों की क्या बोलते हैं? चोटी बोलते हैं ना। अरे बेटा एक बच्चे का मैं 1.5 घंटे का वीडियो लास्ट सेव करके रखा था। हाँ क्लास के अंदर मैं सारे एक्टिविटी ऑब्जर्व करते रहते, तो चोटी कैसे बनाते वो भी सिखाता है लास्ट। क्लियर? देखो बिना पढ़े क्लास पढ़ा ला। चलो अब वो जल करेक्टर, रूट कौन सा होगा नहीं पता कौन सा, एडवांटेज इस टाइम में भी राइजोम या इरेक्ट, राइजोम या लीफ क्या होगी? माइक्रोफाइलस, मेगाफाइलस, स्केली लीफ या पिनेटली कंपाउंड। कौन इन दोनों में मिलता है, इसमें और इसमें कौन? जल करेक्टर खत्म हो गए बिना पढ़े। वी आर स्मार्ट, ट्राइडोफाइटा इज ओवर, ट्राइडोफाइटा खत्म, चैप्टर खत्म। अब बहुत सारे क्वेश्चंस कॉपी करना है, कर लो पहले, फिर बहुत सारे क्वेश्चन आउटसाइड एनसीईआरटी। अब मैं बहुत सारे क्वेश्चन लिखवाएगा जो तुम सारे गप्पे से निकाल दो किसे, तो लिखो फिर क्वेश्चंस, कॉपी करना है, करना है कर लो। यहां से करना है कुछ, करना है शुरू से देखो जी, बराबर और पीछे जाओ। अब इसके बाद बहुत सारे एप्लीकेशन आएंगे, पहले कॉपी कर लो जिसको करना है। डाउट इजी टॉपिक है, टफ है? सी डेबिट समझ गए कैसे निकालोगे? एम्ब्रियो किसके अंदर होना चाहिए? फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट सोटेटेड ऑन पैरेंट स्पोरोफाइट, ब्रोस एडोस्पोरस। हो गया कॉपी, हो गया आगे करो जी। नेक्स्ट याद रखना ये लीव्स ट्रेंडिंग है, ये मत बोला एनसीईआरटी में नहीं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है 38।
36 में मिलेगा, लास्ट फोर लाइंस में, मिड में ट्रेंडिंग है, पेज नंबर 36 लास्ट फोर लाइंस ट्रेंडिंग है नीट में, बराबर। तो ये इजी टॉपिक है, तो कल तक पढ़ लोगे पूरा, तो कल फिर वाई वाले डालते हैं इसका। अभी मत बोला सर ने टैक्सोनॉमी नहीं पढ़ा, वो सब पूछ डालूंगा मैं। ओके, तो कल तक ये चैप्टर रेडी करके आना, लगेगा तो मैं तुम्हें 200-400 क्वेश्चन का एक पेपर बना के दे देगा, जैसे मॉर्फो का 450 क्वेश्चन का एक पेपर डाल रखा है क्या? नहीं उतना है ना उसमें, अनलिमिटेड है, तो मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट कर सकते हो, वो तेरे को और मेरे को दिखेगा, वो किसी को नहीं दिखेगा, प्रैक्टिस पेपर है ना इसलिए। ऐप पे अपना एप्लीकेशन अलग है, टेस्ट पोर्टल अलग है, अरे कभी कभी खोल के देख लिया अगर उसमें कुछ कुछ मिलेगा। आतिफ क्या भरोसा नहीं है ना, फिर वो आतिफ गाना गाएगा छोड़ा है वो गलिया, इतावन चीटी लिखता है। अरे ठीक है, हमको बताया कि दिल टूट गया तो क्या करे, वो गाना गाया, गाना सुना है ना, सुना दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। ये किसका मॉडल है? थैंक यू। क्या आतिफ गाना कौन सा गाएंगे? चलो कोई नहीं, तेरे लिए एक अच्छी से मैं आज मैं ढूंढता है तेरे लिए, अगली क्लास में तेरे लिए एक स्लोगन लेके आएगा। अरे तेरी गर्लफ्रेंड चली गई फॉरेन जा रही है यार, तो इंडायरेक्टली फॉरेनर होते जा रहे होने जा रहे। ये गाना गाएंगे लंदन से आ मेरा बेटा, है ना, मेरे को अपडेट सब रहते हैं, और आतिफ का है तो अपडेट पूरा रखेगा। क्या आतिफ सही है ना? अरे बेटा मेरे को पूरा, जिस दिन देखने आया था लड़का उस दिन का पता है मुझे, उसके बाद एंगेजमेंट हुई वो भी पता है, अरे इनविटेशन भी आया था, बट क्या कि वो वेज नहीं होता ना तो मैं जाता नहीं, वेज होता तो मैं पहुंच जाता। अरे क्या है, किसी की भी सगाई हो हमको तो क्या है, वो तो खाने से मतलब है। बट मैंने पूछा था कि प्योर वेज है कि नहीं है, बोला सर थोड़ा नॉन वेज भी है, तो मेरे को ठीक है फिर हम दिल से दुआ यहीं से दे देंगे, नहीं तो हम खा के दुआ देते। अब आतिफ का तो प्यार था ना, अब तो नहीं है ना। क्या आतिफ थोड़ा कंट्रोल फोकस करो अभी पढ़ने पे, कॉलेज में जाके फिर क्या करेगा? अरे चिंता मत करो, मेरे बैचमेट्स में ऐसी भी लड़कियां थी, ऐसे भी लड़के थे जिन्होंने बहुत सारे, जैसे लोग कपड़े बदलते हैं वैसे वो मेरे एक अच्छा दोस्त है, उसने कुछ 65 नंबर से शादी की, इसलिए मैंने उस हर तो उसमें गया है नॉर्मल है। अब हमको तो एक ही चीज, हमको तीन चार चीजें चाहिए, ढंग से खाना है, ढंग से सोना है, ढंग से पढ़ना है, उसके अलावा बाकी टाइम मिलता ही नहीं था बाकी चीजों के लिए। मैं उठता था 9:30 बजे, कॉलेज का टाइम 9 बजे था, रात को सोते थे 2-3 बजे, रात को 1 बजे 12 बजे घूमने निकलते थे, रात को 2 बजे कैसे खाने का मिलेगा उनको पता था, रात्रि 4 पैड़ियों को रात को भूख लगती है, तुम रात को एक बार तुम 11 बजे के बाद जग के देखो तुम्हें भूख लगने लगी 12-1 बजे। तो हम तो बस रात को सब जगह ढूंढ रखी थी, अहमदाबाद अच्छी जगह है वैसे, बहुत शांत है,
कूल है, रिलैक्स है, अच्छा जगह है और मजा आएगा उधर। बीजीएमसी अहमदाबाद अच्छा कॉलेज है, कॉलेज में अच्छा है, पेशेंट एक्सपोजर अच्छा है, खाने के लिए भी अच्छा है, गुजराती लोग बहुत अच्छे होते हैं। बस बिहार नहीं है, पता चला कि वहां पे तुमने पूछा किसी को तुम्हें राइट जगह पहुंचा के भी आए, इतने अच्छे होते हैं गुजराती और पंजाबी। और बिहार साइड तो ऐसा डर लगता है कि तुमने पूछा आज भी आया। अब बिहारी लोगों से अनुभव हुआ, बिहार का अनुभव किया नहीं, क्योंकि डर लगता है बिहार जाने से, इतना सुना है। पर पता चला तुमने मेरे को वहां पहुंचा दिया था। चलो जी हो गया कॉपी, आगे आगे कॉपी करना है कि आगे क्वेश्चन लिखवा दो फटाफट सारे, करना है कॉपी करना है, जल्दी करो फिर अपन सारे पॉसिबल क्वेश्चन जो है आउटसाइड एनसीईआरटी ट्रेंडिंग है। हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एग्जांपल याद होना चाहिए, एग्जांपल आई थिंक सबको याद होगा भी, मुझे फटाफट कॉपी कर लो। इसके बाद अपन सारे पॉसिबल एक्स्ट्रा क्वेश्चन, सारे पॉसिबल एक्स्ट्रा क्वेश्चन। जल्दी कॉपी करो, कल तक हो जाएगा, कितने लोगों का चैप्टर रेडी हो जाएगा ये? बस इतने से लोग, ये चैप्टर टफ है क्या कल? तो बस कल करके है ना रेडी, कल ये चैप्टर पूरा डालेंगे। एनाटॉमी हो गया, बाकी है एनाटॉमी हो गया, प्लांट एनाटॉमी तो सेकेंडरी ग्रोथ ही पूरा डालेंगे। हाँ, चार चैप्टर सभी पढ़ा ले गया, एनाटॉमी, पीके, मॉर्फो और एसआरपीएफ। एसआरपी पकड़ लो बराबर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, चार चैप्टर इजी है। और अगर कॉन्फिडेंस वैसे पेपर से आ गया होगा, फिर भी बैठना है तो बैठ लो कल, ये चार चैप्टर फटाफट एक वीक में सुलझा देते। ये चार चैप्टर अच्छे हैं, इजी है, इंटरेस्टिंग भी है और भूलने वाला भी, तो इसको आराम से पढ़ना। क्या करना है? आराम से पढ़ना है। तो ये चैप्टर कल पीके या एनाटॉमी दोनों से एक भी कर डालेगी जो तुम्हारी इच्छा हो। बेटा दोनों एक साथ नहीं होंगे क्या? क्लब करके फिर मैं चारों क्लब कर दूं एक साथ? चारों क्लब हो सकते हैं, दो क्लब होने में दिक्कत आती है, चार क्लब होने में आसानी होती है। चलो कल की कल देखेंगे, पढ़ के आना एटलीस्ट प्लान किंग। ओके, ये फ्राइडे भी सेशन है शायद मेरा, अरे नहीं है तो आ जाएगा, फ्राइडे भी सेशन आ जाएगा, डोंट वरी। अरे मैं रिप्लेस कर देगा, टेंशन क्यों लेता है? टेंशन लेते हैं। ओके, आ जाएगा, मैं लाज भी है, मैं जैन की तरह फ्री भी है, तो बिजी आदमी है, फ्री आदमी। हो गया कॉपी? जल्दी कॉपी करो, है ना, अति फोकस होना चाहिए। नहीं नहीं, अभी अभी आतिफ सुधर गया है, आतिफ ने कमिटमेंट दिया है कि 10 चैप्टर सुनाएगा। आतिफ कौन सा चैप्टर रेडी है कल? चलो कल आतिफ से पूछेंगे, आंसर नहीं दिया तो फिर इससे 500 रुपए फाइन लेंगे। बेटा तभी तो हमारे पास समोसे के लिए पैसे आएंगे। हाँ, वड़ा खा लेंगे, हमारे क्या तो पैसे दोगे ना बस। हेलो, तूने आंसर नहीं दिया 500 रुपए, 5000 रुपए दे सकता था, आगे क्या बात करते, बड़ा आदमी है। अरे इतना सारा पैसा आ रहा है, क्या करेगा इसका? मैं तो गरीब आदमी, मेरे घर का 1000 रुपए फिर डोनेट कर देना, 1000, 500, 1500 समोसा आ जाएगा, बड़ा खा लेंगे, टेंशन आ ले। मैं नहीं खाता, दोनों ही है ना, वो पैसे से मैं नहीं खाता, वो पैसा इज मोह माया।
हाँ अगर प्रवीण सर तो बोल रहे आजकल डोनेशंस को लाइब्रेरी में डाल दो। चलो जी हो गया, चलो पॉसिबल क्वेश्चन बाकी के चलो कॉपी कर लेना आराम से, मैं फटाफट सारे क्वेश्चन लिखवा देता हूँ, एक पेज लो फटाफट सारे क्वेश्चन लिखेंगे। पहला क्वेश्चन सुनो सुनो फटाफट सारे, मैं 10 मिनट की बात कर लेना। लो जी क्वेश्चन नंबर 1 एक्स्ट्रा, पहले एग्जांपल ऑफ डायोसियस प्लांट किंगडम के तुम्हें सारे डायोसियस बता दे, बोलो वर्मा जी। अरे पहला आ गया डेट और पपाया, डेट और ये एनजीओ भी हो गए। दूसरा है सारे जिम्नो एक्सेप्ट पाइनस, ऑल जिम्नो एक्सेप्ट तीसरा है हेट्रोस्पोरस ट्राइडोफाइटा। अब ये मत बोलो सर हेट्रोस्पोरस ट्राइडोफाइटा की एग्जांपल क्या है, मेरे को भी याद नहीं है तुमको याद होना चाहिए। सल सलाजी नेला सालवी नी आजोला मार्सिलिया और लास्ट के मरवर के क्या किया केंसिया। दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन सुनते जाओ बराबर, मोटाइल मेल गैमेट कहां कहां मिलता है। गलत आंसर गलत आंसर सुन लो, एलगी एक्सेप्ट रेड, एलगी एक्सेप्ट। अब ये मत बोला स्पायरो वायरो उठा लाओ, नॉन फ्लोजिनेटेड आइसोगैमी था। ब्रायो टेरिडो और साइकस, ज्यादातर बच्चों को याद क्या नहीं रहेगा, मोटाइल मेल गैमेट इज फाउंड इन साइकस, ये 2007-08 के क्वेश्चन में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन क्लियर, ये सारे क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये ग्रुप नहीं आएंगे एग्जांपल आएगा, ग्रुप नहीं आएगा क्या आएगा उसमें छाटना है। चलो आगे देखिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, देखो फटाफट क्वेश्चन देखते जाओ। गैमेटोफाइट डिपेंडेंट अपॉन स्पोरोफाइटिक जनरेशन, गैमेटोफाइट डिपेंडेंट अपॉन स्पोरोफाइटिक जनरेशन, आंसर बोलो। इज फाउंड इन, बोलो जी किधर मिलेगा, गैमेटोफाइट डिपेंडेंट अपॉन स्पोरोफाइटिक जनरेशन जिम्नो और जिम्नो एंड बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पोरोफाइटिक जनरेशन डिपेंडेंट अपॉन अपॉन गैमेटोफाइटिक जनरेशन, किधर मिलेगा, एल्गी एक्सेप्ट ब्राउन एंड ब्रायोफाइटा, ब्रायो पूछा जाए इंडिपेंडेंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, आंसर इज नेक्स्ट क्वेश्चन गैमेटोफाइटिक जनरेशन का फर्स्ट सेल लास्ट सेल गैमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन
स्पोरोफाइटिक जनरेशन फर्स्ट सेल, और लास्ट सेल, लास्ट सेल इज एसएमसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। टू एन, एन के ऊपर डिपेंडेंट। वर्ड क्या लिखा है? एलगी में टू एन, एन के अंदर ही बनता है ना, जायगोट आएगा ना आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर करें, देखे वो डाउट है क्या? टू एन एन के ऊपर डिपेंडेंट किधर मिलता है? जिसकी लाइफ साइकिल एन हो या प्लोटोप्लास्टिक हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट डेवलप स्पोरोफाइट इज फाउंड इन, आंसर इज फाउंड इन एंजियोस्पर्म। मोस्ट डेवलप गैमेटोफाइट इज फाउंड इन, गैमेटोफाइट इज फाउंड इन मॉस। मॉस ऑप्शन में ना हो तो ब्रायोफाइट। लीस्ट डेवलप या मोस्ट रिड्यूस? लीस्ट डेवलप को कुछ लोग क्या बोलेंगे? मोस्ट रिड्यूस। स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज फाउंड इन, आंसर है जायगोट ऑफ एल्गी। जायगोट ऑफ, क्योंकि मैंने सुना जायगोट एक सिंगल सेल होता है, वो इमीडिएटली अंडरगोस द मियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीस्ट डेवलप मोस्ट रिड्यूस गैमेटोफाइट इज फाउंड इन एंजियोस्पर्मिक पॉलन। परफेक्ट आंसर इज एंजियोस्पर्मिक पॉलन। कितने सेल? मैंने सुना थ्री सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, जैसे वो अपने जो गप्पा क्लासिफिकेशन देखा उससे निकल जाएगा, बड़े एक साथ लिखवा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन सोचो, तुम सोचना है, मुझे सोचना है। चलो, आर्किगोनिया स्टार्टेड इन, और एंड इन, तो किधर वो स्टार्ट हुई? ब्रायो में, और एंड इन जिम्नोस्पर्म। बराबर, क्या जिम्नो में वेसल मिलती है? आंसर इज नो। ऐसा कौन सा जिम्नो जिसमें वेसल मिलती है? जिनेटम, जिसमें आर्किगोनिया एक्सेप्शनली एब्सेंट होती है। ये सारे पॉसिबल क्वेश्चंस क्लियर? चैप्टर संपला।